और बड़ी खबर, आज से काम पर लौटेंगे संविदाकर्मी। संविदाकर्मियों ने हड़ताल स्थगित कर दी है। नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर थी संविदाकर्मी। 3 जुलाई से जारी थी संविदाकर्मियों की हड़ताल। छत्तीसगढ़ में सर्व विभागीय संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग को लेकर चल रही हड़ताल स्थगित कर दी गई है। 3 जुलाई से जारी हड़ताल को प्रदेश की जनता के लिए स्थगित किया गया है। 54 विभागों में काम करने वाले 47,000 संविदा कर्मचारियों की सरकार से बातचीत में सकारात्मक संकेत मिले हैं। सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी सीएम भूपेश बघेल से मिलने मुख्यमंत्री आवास भी पहुंचे। बता दें कि संविदा कर्मियों को सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात का समय दिया था, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इनकी मांगों पर सहमति बनेगी। देखिए, विविध माध्यमों से ये हमको अवगत हुआ था कि छत्तीसगढ़ की जनता को किस सहूलियतों को और हितों को ध्यान में रखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो भूपेश है तो भरोसा है ये जो नारा है, इसको हम लोगों ने आत्मसात किया और इसको स्वीकार किया और इस आधार पर क्षेत्र की जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए हमने आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। 30 दिन तक हम लगातार आंदोलन पर रहे। शासन प्रशासन के पास हमारी मांगे पूरी तरह से पहुंच चुकी हैं। एक सकारात्मक सोच और संभावना, एक आशा के साथ ही हम लोगों ने ये आंदोलन को स्थगित किया है और उम्मीद है कि जो कांग्रेस पार्टी और शासन भूपेश है तो भरोसा का नारा लग देती है, उस नारे को चरितार्थ करने के लिए पूरी तरह से मुख्यमंत्री महोदय जी बिल्कुल सामने आएंगे और अब हमें कोई ना कोई सौगात अवश्य देंगे। आगामी विधानसभा चुनाव